मैं डॉक्टर शाद अली खान, सहाचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राज के भंगड़वा विद्यालय में डीडवाना में कार्यरत हूँ। आज हम कोटले का षड्गुण्य नीति का अध्ययन करेंगे, यानी षड्गुण्य से संबंधित हम कह सकते हैं कि छह नीति, जैसे हमने मनु के अध्ययन किया था वैसे ही कोटले में है, थोड़ा सा भिन्न है उससे। कोटले अपने राजा को केवल राज्य की सीमा के भीतर प्रभावशाली नहीं बनाना चाहता था, अपितु तो उनकी सोच व्यापकता लिए हुए थी। कोटले के विचार में राजा को अंतर्राज्य संबंधों की कुशलता एवं दूरदर्शिता के साथ लागू करना चाहिए था, कई करना चाहिए। सफल कूटनीति के होने से राजा अपने प्रभाव बिना किसी युद्ध के बढ़ा सकता है। कोटले ने अर्थशास्त्र के सप्तम अधिकरण में विदेश नीति या परराष्ट्र नीति, विदेशी राज्यों के प्रति व्यवहार के संबंध में षड्गुण्य नीति अर्थात छह लक्षणों वाली नीति का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में प्राचीन भारत की राजनीति में अधिराज और अधीनस्थ राज्यों के संबंधों को संचालित करने की समस्या पर विशेष ध्यान दिया गया। इसे कोटले के राज्य शिल्प की कुंजी कहा जा सकता है। इस संदर्भ में कोटले प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली और दूसरे पाश्चात्य विचारकों से भी आगे। आचार्य मनु द्वारा भी मनुस्मृति में षड्गुण्य नीति का उल्लेख किया गया था। कोटले के राजनीतिक दर्श चिंतन में कूटनीति और राज्य शिल्प की नींव भौगोलिक आर्थिक तत्वों के आधार पर रखी गई। इसमें संदेह नहीं कि भारत के विस्तृत मैदानी इलाकों पर बड़े बड़े राज्यों के विकास की संभावना थी। फिर भी प्राचीन काल में संचार और परिवहन के उन्नत साधनों के अभाव में कोई केंद्रीय सरकार अधिक दूर तक अपना नियंत्रण नहीं रख सकती थी। अतः ये देश प्राय छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। प्रत्येक राज्य अपने पड़ोसी राज्य को हड़पने के लिए तैयार रहता था। राज्य के विस्तार की आकांक्षा शक्तिशाली राज्यों की लक्षण थी, जबकि कम शक्तिशाली राज्य अपनी स्वाधीनता कायम रखने के लिए अधिक शक्तिशाली राज्यों के साथ समझौता कर लेते थे। शक्तिशाली राजा अपने आधिपत्य की आकांक्षा की पूर्ति के लिए कूटनीति का प्रयोग करते थे। यानी कि षड्गुण्य नीति के बारे में कौटिल्य ने अपने शब्दों में कहा है कि उनमें दो राजाओं का कुछ शर्तों पर मेल हो जाना, संधि, शत्रु का कोई उपकार करना, विग्रह उपेक्षा करना, आसन चढ़ाई करना, यान आत्मसमर्पण करना, स्वयंश्रेय और संधि विग्रह दोनों से काम लेना विरोधी भाव कहलाता है। यही छह गुण है। षड्गुण्य का प्रयोग के बारे में अर्थशास्त्र में कहा गया है कि कौटिल्य ने कहा है कि शत्रु की तुलना में अपने की निर्बल समझने पर संधि कर लेनी चाहिए, शत्रु की तुलना में स्वयं को बलवान समझने पर विग्रह कर लेना चाहिए, शत्रु बल और आत्मबल में कोई अंतर ना समझे तो आसन को अपना लेना चाहिए, यदि स्वयं को सर्वसंपन्न और शक्ति संपन्न समझे तो चढ़ाई यानी यान कर देना चाहिए, और अपने को निराशक्त समझने पर संश्रेय से काम लेना चाहिए, यदि सहायता की उपेक्षा समझे तो द्वैधी भाव को अपनाना चाहिए। कौटिल्य आगे ये भी कहता है कि देश काल परिस्थितियों के अनुसार इसे षड्गुण्य नीति में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि इसने तीन बिंदु बताए विशेष रूप से। इसमें राज्य के हित में अभिवृद्धि करने वाला प्रमुख साधन षड्गुण्य नीति, राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि राजा से अपेक्षा की जाती है कि वह इन साधनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करेगी। विग्रह का उपयोग अंतिम विकल्प के रूप में ही होना चाहिए। यानी हम लेते हैं संधि को। संधि दो राजाओं के बीच हुए समझौते को कहते हैं। कौटिल्य के अनुसार किसी भी राजा के लिए संधि करने की नीति का उद्देश्य अपने शत्रु राजा की शक्ति को नष्ट करना, स्वयं को शक्तिशाली बनाना होता है। कोटिले के अनुसार शत्रु से भी उस समय संधि कर ली जानी चाहिए जब शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। स्वयं को सबल और शत्रु को निर्बल करने के लिए कुछ समय प्राप्त करना आवश्यक है। इसके अलावा कोटिले अर्थशास्त्र में अनेक प्रकार के संधियों का उल्लेख करता है। विग्रह यानी कि युद्ध से संबंधित है। विग्रह का अर्थ युद्ध है यहाँ पर। इस नीति का अनुसरण राजा को तभी करना चाहिए जब वह अपनी शक्ति के बारे में पूर्णतया आश्वस्त हो और शत्रु को कमजोर देखे। उसके सैनिकों तथा राज्य की जनता में शत्रु के विरुद्ध युद्ध करने की उत्साह हो, राष्ट्रभक्ति की भावना हो, अपने चरम उत्कर्ष पर हो, राज्य की युद्ध संबंधी व्यवस्थाएं पूर्ण हो, राज्य की आक्रामक और प्रतिरक्षात्मक तैयारियों में कोई कमी ना हो। युद्ध की नीति का अनुसरण करने से पूर्व राज्य मंडल के मित्र राज्यों की सहायता के बारे में राजा को पूर्णतः आश्वस्त हो जाना चाहिए। विग्रह की नीति अपनाते हुए शत्रु भूमि के भागों पर तुरंत नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के सातवें अधिकरण के छठे अध्याय में युद्ध के तीन प्रकार बताए। यानी कि सातवें अधिकरण के छठे अध्याय में युद्ध के तीन प्रकार बताए, जिसमें प्रकाश युद्ध,
कूट युद्ध और तृष्णि युद्ध है। यान का अभिप्राय वास्तु का आक्रमण है। इस नीति का उपयोग तभी करना चाहिए जबकि राजा अपनी शक्ति को सुदृढ़ देखे, उसे यह विश्वास हो जाए कि शत्रु का नाश करना आवश्यक है और बिना आक्रमण किए शत्रु को वश में करना असंभव नहीं है। आसन यानी तटस्था यानी चुपचाप बैठना, किसी समय की प्रतीक्षा में चुपचाप बैठे रहना आसन अर्थात तटस्था कहलाता है। अपने वृद्धि के लिए अपनी शक्ति की वृद्धि के लिए चुपचाप बैठे रहना भी आसन कहलाता है। राजा आसन की नीति तभी अपनाता है जब वह यह समझता है कि इतना समय नहीं कि शत्रु का नाश कर सके, ना कि शत्रु इतना प्रबल है कि प्रबल कि उसका नाश किया जा सके। इस आसन की नीति अपनाते हुए उसे अपनी शक्ति में अभिवृद्धि करने की चेष्टा रखनी चाहिए। यदि राजा आसन की आड़ में हाथ पर हाथ धरे बैठ रहे और अन्य अंतर्राज्य घटनाओं के मूक दर्शक की भांति देखता रहे तो वह कमजोर और कायर राजा कोई और नहीं हो सकता, ऐसा कायर राजा नहीं हो सकता। आसन के दो प्रकार होते हैं, एक तो विग्रह आसन, दूसरा है संध्याय आसन। विग्रह आसन में कौटिल्य बताता है कि जब विजुगीष्व शत्रु दोनों ही संधि करने की इच्छा रखते हों और परस्पर एक दूसरे को नष्ट करने की शक्ति ना रखते हों तो कुछ काल के युद्ध पर युद्ध कर चुपचाप बैठ जाते हैं। संध्या यानी जब संधि करके चुपचाप बैठते हैं। संश्रय जो है, संश्रय का अर्थ बलवान राजा का शरण लेना। यदि राजा शत्रु को हानि पहुंचाने की क्षमता नहीं रखता है, साथ ही यदि वह अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो तो उसे बलवान राजा की शरण लेनी चाहिए। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस राजा की शरण ले रहा है वह शत्रु से अधिक शक्तिशाली हो। लेकिन कौटिल्य का मत है कि यदि ऐसा बलवान राजा कोई ना मिले तो अपने शत्रु राजा का ही आश्रय ले लेना चाहिए। द्वैधी भाव के बारे में इसने लिखा है कौटिल्य ने, द्वैधी भाव की नीति से कौटिल्य का अभिप्राय किसी राजा द्वारा एक के साथ संधि और दूसरे के साथ विग्रह करने से है। यदि राजा यह समझे कि इस नीति का अनुसरण करने से यदि वह अपने को बलवान तथा शत्रु को निर्बल बना सके तो अपनाना चाहिए ताकि वह अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा सके और शत्रु का अपकार करने में समर्थ हो सके। आज इतना ही, धन्यवाद।